यहाँ पे ऑरेंज रॉक और टीएसएम एंटिटी के बीच में हम लोग को जरूर फाइट देखने को मिल सकता है। और यस, शुरुआत जरूर हो चुकी है। जॉनथन ने यहाँ पे नॉक कर दिया वीरू को और पूरी की पूरी टीएसएम एंटिटी की स्क्वाड यहाँ पे मवी के ऊपर चढ़ के जा रही है। और यहाँ पे इसका जो ऑरेंज रॉक का जो आइसोलेशन का यहाँ पे फायदा जरूर उठाना चाहेंगे। वीरू को कंप्लीटली पिन से डाउन रखा है जॉनथन ने यहाँ पे, उनके तरफ भी ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करेंगे। मवी का यहाँ पे प्री नेट देखने को मिलता हुआ, देखते क्लच गॉड क्या यहाँ पे ओवर कमिट करते हैं या नहीं। टीएसएम एंटिटी के दो दो करके प्लेयर्स घुसे जो एक अच्छी स्ट्रेटजी यहाँ पर बन सकती है। आप देखिए जब जी गॉड है तो क्लच गॉड उनके पास नियो भी साइड बाय साइड आ ही रहे हैं और ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। जॉनथन ने स्काउट को पिक ऑफ किया है, नियो ने गिल को पिक ऑफ किया है, मावी अकेले बचते, ग्रेनेड उन्हें बाहर कर दिया और एक प्लेयर को लेकर जाता है उनका ग्रेनेड मावी, लेकिन यहाँ पर कितनी देर तक बच पाएंगे बहुत मुश्किल रहेगा उनके लिए बचना। और टीएसएम एंटिटी ये फाइट अपने हिस्से में बेहतरीन तरीके से निकालती है। यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं बॉस और कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिनिश होते हुए यहाँ पे मेगा स्टार्स के वैक्सी ने यहाँ पे उनके लिए केल सिक्योर कर दिया है। और टीएसएम एंटिटी के क्लच गॉड को यहाँ पे ब्रागा का किल जरूर मिलेगा। माइट्रॉन की तरफ से यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक ऑफ पेटागन जो कि है बीएसएस, बट क्लच गॉड को देखिए वैक्सी का किल इन्होंने सिक्योर कर दिया। जी गॉड यहाँ पे स्प्रे करते जा रहे, तीन बैंडेजेस, मात्र तीन बैंडेजेस के सहारे जिंदा है। आई विल अस्यूम उनके पास स्मोक्स नहीं रहेंगे, आतंकी अपर डाउन होते हैं। नोवा गॉड लाइक हस्तर के द्वारा फिनिश ऑफ भी करने की कोशिश रहेगी, फिनिश ऑफ किया जाएगा आराम से, स्लोली स्लोली ब्लीड आउट रह रहे थे, बट स्मोकी को यहाँ पर पिकअप करेंगे जॉनथन और जॉनथन अब आगे मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जॉनथन इज रेडी फॉर फाइट, एक्जिस्टेंस को स्पॉट शुरू कर चुके हैं। 34 बुलेट, 3 किल्स इनके पास, 14 किल और 5 किल इनके सामने, एक को नॉक कर दिया, दूसरा प्लेयर स्पॉटेड कर चुके हैं यहाँ पर, बट ओपन एरिया अपर एरिया की फाइट रहेगी। जॉनथन गोस डाउन इन दैट वन, पीछे से क्लच गॉड आते हैं और बेहतरीन फाइट अपने लिए निकालने की कोशिश। अल्ट्रॉन भी आ चुके हैं, पूरी फाइट यहाँ पर, हेल हैज ब्रोकन लूज इन दिस एरिया। जी हाँ, और अल्ट्रॉन यहाँ पे बहुत ही शानदार रहा प्रदर्शन दिखाते हुए, पूरी नोवा गॉड लाइक की स्क्वाड को वाइप आउट करके गैलेक्सी रेसर्स के रॉक्स पीछे से आ रहे, टीएसएम एंटिटी के क्लच गॉड को जरूर स्पॉट आउट कर पाएंगे। चार प्लेयर जीवित और तीन टीम्स अभी भी अलाइव है, मॉर्फ के फ्रेंजी अभी भी जिंदा है, एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में फंस चुके। क्लच गॉड के पास एक अच्छा मौका, अगर रॉक्स को स्पॉट कर पाएंगे तो इंस्टेंटली पूरी की पूरी गैलेक्सी रेसर्स अभी वाइप आउट हो जाएगी। क्लच गॉड के पास एक हाई ग्राउंड का अच्छा खासा एडवांटेज है, देखना पड़ेगा कि क्लच गॉड इसका फायदा उठाते हैं या नहीं। अल्ट्रॉन अभी भी नॉक पड़े, रॉक सर्कल के थोड़ा सा बाहर जाते हुए उनको ऑलरेडी प्लस पॉड आउट कर चुके हैं। क्लच गॉड यहां पे प्रे डाउन करते हुए, बट यहां पे हिप फायर कर दिया, गलती कर दी और टीएसएम एंटिटी के साथ हो चुकी है एलिमिनेट। पहला गेम टीएसएम एंटिटी सेकंड आई थी, इस गेम में थर्ड आई, पिछला गेम गैलेक्सी रेसर्स सेल्स सेकंड आई थी, इस गेम में अपने लिए एक चिकन डिनर निकालना चाहती है फ्रेंजी। 1 HP मिरेकल, क्या वो कर सकते हैं यहां पर? सेल्स रॉक्स को देखिए, उनके पास फर्स्ट स्टेज है बट लगाने का टाइम नहीं है। यस, 31 बुलेट्स, फाइनल 31 बुलेट्स, दे गो फॉर इट, 1 HP मिरेकल, माय गॉड, Oh my goodness! TSM Entity यहाँ पे लीड लेती हुई 69 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी। यू लेवल अप ईस्पोर्ट्स सेकंड पर आती हुई 67 पॉइंट्स। ऑरेंज रॉक की जैसे हम बात कर रहे थे वो लोग फोर्थ हैं, लेकिन केतन थर्ड पे हमको नजर आती है मॉर्फ टीम। Eventually, RR की होती ना थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिलेगा जरूर, बट फिर नीचे अगर आए बॉटम फोर में सिनर्जी एक पुश देखने को मिलेगा जरूर, बट नीचे अगर हम देखें यूडू गैंग के T1 है, बिगेट्रॉन रेड एलियंस और रिजेक्ट डॉट स्कारलेट।